आग्रह करती हूँ कुमारी सौम्या से कि आप स्वागत गीत प्रस्तुत करें। कुमारी सौम्या। ओम शांति। स्वागत है, स्वीकार करो शुभ अभिनंदन, आप पधारे, धन्य हो गया ये आंगन, धन्य है नील गगन। स्वागत है, स्वीकार करो शुभ अभिनंदन, आप पधारे, धन्य हो गया ये आंगन, धन्य है नील गगन। स्नेह के दीप जले हर मन में, श्रद्धा की हो आरती। स्नेह के दीप जले हर मन में, श्रद्धा की हो आरती। झूम झूम के हर्षित हो, स्वागत करते हैं आज सभी। बड़े भाग्य से हुआ आपका शुभागमन, आप पधारे, धन्य हो गया ये आंगन, धन्य है नील गगन, धन्य है ये आंगन, धन्य है नील गगन। स्वीकार करो शुभ अभिनंदन, आप पधारे, धन्य हो गया ये आंगन, धन्य है नील गगन। प्रेम एकता सदाचार हो, सबके मन में भावना आओ। प्रेम एकता सदाचार हो, सबके मन में भावना आओ। सुखमय देश बनाए मिल करके सद्भावना। इसीलिए तो हुआ यहाँ पर महामिलन, आप पधारे, धन्य हो गया ये, धन्य है नील गगन, धन्य है ये आंगन, धन्य है नील गगन। स्वागत है, स्वीकार करो शुभ अभिनंदन, आप पधारे, धन्य हो गया ये आंगन, धन्य है नील गगन, धन्य है ये आंगन, धन्य है नील गगन। ओम शांति। ये सभी शक्तियां हम सभी बहने आदरणीय दादी जी के सानिध्य में आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सब शक्तियों के बारे में थोड़ा सा इनकी विशेषताएं क्या है इसका विस्तार करने के लिए बिंदकी से हमारे बीच एक भाई आए हुए हैं, हमारे बीच हैं रवि भाई जी। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी दीदी और दादी के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुश हैं सभी? दरबार अच्छा लग रहा है? मैं रवि भाई, इस अलौकिक कार्यक्रम में आप सभी आत्माओं का स्वागत करता हूं, और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि इन महान आत्माओं महाभूतियों के समक्ष मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है, अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिल रहा है, और आप सभी को मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं इस सम्मान समारोह में, हमारी सभी दीदियों का। आप सभी शिव परमात्मा के अनमोल रत्न हैं, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है। तो दादियों के विषय में मैंने जितना जाना है, उनके सम्मान में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, और आप सभी से ये सहयोग चाहूंगा कि जब भी मैं दादी का या किसी दीदी का नाम आएगा तो उनके अभिवादन में, सम्मान में तालियां देकर के उनका आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने
आकर के हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए, बहुत कुछ देने के लिए समय निकाला है। तो और ये दिव्य सम्मान समारोह और सभी लोग यहाँ पर आकर के जो आए हुए हैं, तो वो लोग अपने आप को इसी प्रकार उन्नति के पथ पर ले जा करके इस स्टेज पर लाने का संकल्प लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे ही मेरी समझ है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मैं अपने ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूँ। ओहो देखो कैसा खेल रचाया है, ओहो देखो वक्त ने कैसा खेल रचाया है, उस संगम का युग फिर लौट आया है, सतयुग के दर्शन कर लो आत्माओं, आज फरिश्तों ने फिर दरबार लगाया है, आज फरिश्तों ने फिर दरबार सजाया है। अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा है, श्वेत वर्ण सारा है, चुन चुन के फरिश्तों को बाबा ने जमी पर उतारा है। बाबा का हर बच्चा आज बेफिक्र होगा, बाबा का हर बच्चा आज बेफिक्र होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि 21 जन्मों की बादशाही का यहाँ जिक्र होगा, 21 जन्मों की बादशाही का यहाँ जिक्र होगा। तो हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय दादी विद्यमान है। दादी के बारे में कहना चाहूंगा कि दिल अगर समुन्दर है, दिल अगर समुन्दर है तो किनारा भी है दादी, लहरों का अगर तूफान है तो निर्मल सहारा भी है दादी। माया की मार है यहाँ, माया की मार है यहाँ, ज्ञान का सितारा भी है दादी, माया की मार है यहाँ, ज्ञान का सितारा भी है दादी, जग ने रुलाया है तो आपने दुलारा भी है दादी, आपने दुलारा भी है दादी। हम जैसे भटके हुओं को, हम जैसे भटके हुओं की जिंदगी निखारी है, हम जैसे भटके हुओं की जिंदगी निखारी है, गुणों की खान है, ज्ञान की सवारी है, तपोवन की रानी है, तपोवन की रानी है, बाबा की दुलारी है, जितना बाबा से प्यार है दादी आप भी हमें उतनी ही प्यारी है। पारखी नजर है, पारखी नजर है, रत्न ढूंढ कर निकालती है, पारखी नजर है, रत्न ढूंढ कर निकालती है, मात और पिता का प्यार दे के भी संभालती है। दिल्ली में जन्म लिया और दिलों में राज किया, दिल्ली में जन्म लिया और दिलों में राज किया, कर्म अलौकिक करने का एक नया रिवाज दिया, 60 वर्षों से अधिक सेवा में बिताए हैं, आपके नैनों में तो बस शिव पिता समाये हैं, आपके नैनों में तो बस शिव पिता समाये हैं। एक नामी एक कामी शांत चित्त धारी है, एक नामी एक कामी शांत चित्त धारी है, शिव की आदिरत अपनी प्यारी दादी दुलारी है, अपनी प्यारी दादी दुलारी है। मैं आशा दीदी के मान में कहना चाहूंगा कि राजयोग की विधि द्वारा जीवन को सरल बना देती है, राजयोग बना देती है, बातों ही बातों में हर स्थिति का हल बतला देती है। योग ही जिनका कर्म है पहला, योग ही जिनका जिनकी भाषा, योग ही जिनका कर्म है पहला, योग ही जिनकी भाषा, इनके जीवन में एक पल भी टिकती नहीं निराशा, सहज रूप जीवन है, सहज रूप जीवन है, स्थिति हिलती नहीं जरा सा, वह है अपनी परम योगिनी प्यारी दीदी आशा, प्यारी दीदी आशा। छोड़ दिया लौकिक का सब कुछ, छोड़ दिया लौकिक का सब कुछ, कर्म अलौकिक करती हैं, छोड़ दिया लौकिक का सब कुछ, कर्म अलौकिक करती हैं, जिनके रास्ते में आने से बाधाएं भी डरती हैं, डांट प्यार दोनों दिखलाती, डांट प्यार दोनों दिखलाती, सबको अनुशासन सिखलाती, सेवा सदा कर्म में आगे रहकर, डांट प्यार दोनों दिखलाती, सबको अनुशासन सिखलाती, सदा कर्म में आगे रहकर कर्मठता का पाठ पढ़ाती, छोटे छोटे कदमों से जो बड़ी कमाल दिखाती हैं, सारी बहनें खुश होती जब मुन्नी दीदी आती हैं, जब मुन्नी दीदी आती है। कुशल वक्ता मधुर भाषी समय की पाबंद है, गुणों से भी कुछ लोग पहचान जाते हैं, मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। कुशल वक्ता मधुर भाषी समय की पाबंद है, दिव्य ज्ञान से सदा फैला रही सुगंध है, जिसकी महिमा शिव बाबा ने खुद आकर बतलाई है, जिसकी महिमा शिव बाबा ने खुद आकर बतलाई है, सर्वशास्त्र के श्री मणि की पदवी जिसने पाई है,
ज्ञान अमृत की बूंद बूंद सारा जग जिससे पीता है उनकी महिमा कौन न जाने। नाम ही जिनका गीता है, नाम ही जिनका गीता है। हमारी गीता दीदी का बहुत 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 अभिनंदन करता हूँ। ममता की जो मूरत है, ममता की जो मूरत है माता जैसा जो प्यार करे, ममता की जो मूरत है माता जैसा जो प्यार करे, दिव्य अलौकिक ज्ञान सिखाकर जीवन नैया पार करें। सरल और शालीन गुणों की गिनती क्या करवाऊं मैं, सरल और शालीन गुणों की गिनती क्या करवाऊं मैं, कर्मों की विधि को अपनाकर उन जैसा बन जाऊं मैं। शिवसेना के रास्ते में वो अड़चन को ना आने देती, शिवसेना के रास्ते में वो अड़चन को ना आने देती, कार्य कुशलता ऐसी कि वो विघ्न कभी ना पड़ने देती। प्रेममयी ममता की देवी आशाओं की उर्वशी हैं, दिव्य पालना देती अपनी प्यारी दीदी शशि हैं, अपनी प्यारी दीदी शशि हैं। संकल्पों की शिवानी है, संकल्पों की शिवानी है शिव बाबा की दीवानी है, संकल्पों की शिवानी है शिव बाबा की दीवानी है। ज्ञान रत्न बगिया का पुष्प एक रूहानी है, धैर्य की जो धारणा है, धैर्य की जो धारणा है योग की परिणीता है। ज्ञान दीप सा जले जो स्नेह की कविता है, दिव्य है गुणों में, दिव्य है गुणों में और ज्ञान की जो गीता है। मुझे जन्म देने वाली मेरी माता सीता है, मेरी माता ज्ञान देने वाली सीता दीदी। एक छोटे से बच्चे को यहाँ पर लाकर जो भटका हुआ था अपने जीवन की परिस्थितियों में, ना जाने किस रास्ते पे मैं जाने वाला था, पता नहीं किस बहाने से बुलाया, क्या करवाया और यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। मैं धन्य धन्य आभार करता हूँ मुझे एक नया जन्म देने के लिए। जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करना। बेबी से देवी बनी, बेबी से देवी बनी दिव्य गुणों को धार कर, बेबी से देवी बनी दिव्य गुणों को धार कर, पावन जीवन कर लिया बोझ सब उतार कर, काम क्रोध लोभ मोह और अहम को जीत कर, जग के बंधनों को तोड़ शिव पिया से प्रीत कर, साक्षीपन स्वभाव में सुकर्म की प्रतिज्ञा है, साक्षीपन स्वभाव में सुकर्म की प्रतिज्ञा है। जो सबको प्यार बांटती है वो मेरी दीदी दिव्या है, जो मेरी दीदी दिव्या है। ऊर्जावान, ऊर्जावान बड़ी गुणवान रहती हरदम सावधान, ऊर्जावान बड़ी गुणवान रहती हरदम सावधान, कोई भी आयोजन करना हो तो थामे यही कमान। ड्रामा का आनंद उठाती, ड्रामा का आनंद उठाती सेवा करती खुशी खुशी, सिचुएशन कंट्रोल करें और मुख पर रहती सदा हंसी। बाबा की बगिया की पूरी मेहनत से सवारती, बाबा की बगिया को पूरी मेहनत से सवारती। जानते हैं कौन है वो? अपनी दीदी आरती। मन सरल, मन सरल वाणी सरल और सरल जीवन साधना, मन सरल वाणी सरल और सरल जीवन साधना। आराधना गुलशनों में फूल खिलते, गुलशनों में फूल खिलते तो अनेकों रोज हैं, पर जो मुरझाता न पल में ऐसा उनमें ओज है। अनुशासन प्रिय हैं और शिव बाप की अनुष्का हैं, हैं सभा में वो विराजी प्यारी दीदी पुष्पा हैं, प्यारे प्यारे हर्षित मुखमंडल है जिनका, हर्षित मुखमंडल है जिनका रहती है मुस्कान सदा, हर्षित मुखमंडल है जिनका रहती है मुस्कान सदा। इनोसेंट बड़ी हैं, करती रहती प्रभु के काम सदा। माला की डोरी बनकर जो, माला की डोरी बनकर वो लेती सबको थाम सदा। गुप्त साधना करती हैं वो मन में शिव का नाम सदा। परम प्यारी शिव पिता के नैनों का नगीना है, कानपुर है कर्म भूमि नाम दीदी बीना है, नाम दीदी बीना है। आज आपके सम्मुख बैठे गुणधारी गुणवान हैं, आज आपके सम्मुख बैठे गुणधारी गुणवान हैं, सब में गुण है भिन्न भिन्न पर रहते एक समान हैं। सबके गुणों का आदर करती दीदी आप महान हैं, ज्ञान की मूरत ज्ञानो दीदी आप यज्ञ की शान हैं, आप यज्ञ की शान हैं।
पूर्ण रूप से बाबा जैसा, पूर्ण रूप से बाबा जैसा बनकर करती साधना, पूर्ण रूप से बाबा जैसा बनकर करती साधना, अष्ट शक्तियां धारण करके करती शिव आराधना, अंधकार को दूर भगाने को तत्पर है हरदम, अंधकार को दूर भगाने को तत्पर जो हरदम है, चांद पूर्णिमा का बन करके आए दीदी पूनम है, आए दीदी पूनम है, शांत है स्वभाव, शांत है स्वभाव, मुख पे है अलौकिक भाव, शांत है स्वभाव, मुख पे है अलौकिक भाव, यज्ञ सेवा अर्थ थकते ना कभी भी पाओ, शांत है स्वभाव, मुख पे है अलौकिक भाव, यज्ञ सेवा अर्थ थकते ना कभी भी पाओ, इस मधुर मधुबन में वो शिव पिया संग मालिनी, इस मधुर मालिनी पुष्प वाटिका सवारती है प्यारी दीदी शालिनी, प्यारी दीदी शालिनी, शिव प्यारी गुणधारी सर्वशक्तिमान है, राजयोग कर्मयोग और गुण निधान है, मृत्युभाषी शिव प्यारी कानपुर की बेटी है, कुसुम दीदी आत्मज्ञान की सीख सबको देती है, कुसुम दीदी आप आ रहे, ऐसे गुणों की खान हमारी दीदियां हैं, इन गुणों में से कुछ बूंद मात्र भी अपने जीवन में हम अगर शामिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम इस समाज में अपने जीवन में बहुत उन्नति को पा सकते हैं। अंत में जो मैंने सीखा है जो आकर के चार लाइनों में व्यक्त करता हूं और समय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति फिर मैं चाहूंगा तो कहना चाहूंगा कि कोई पैसा कमाता है, कोई बंगले बनाता है, कोई पैसा छूट जाएगा, कोई संग ले न जाता है, कोई पैसा कमाता है, कोई बंगले बनाता है, यही सब छूट जाएगा, कोई संग ले न जाता है, कभी तो सोच बंदे किस लिए धरती पे आया था, प्रभु को याद कर ले बस यही किस्मत बनाता है, प्रभु को याद कर ले बस यही किस्मत बनाता है, कर्म योग के लिए बाबा सिखलाते हैं कर्म से हीन होकर के तेरा उद्धार ना होगा, ये भक्ति मार्ग से जब हम आगे आते हैं तो हमें कर्म योग ज्ञान योग मिलता है, तब हमें पता चलता है कि कर्म से हीन हो करके तेरा उद्धार ना होगा, दुखी तू दीन है पगले ये बेड़ा पार ना होगा, जो गहरी नींद में जाकर तू सपनों को सजाता है, बिना जागे तेरा सपना कोई साकार ना होगा, बिना जागे तेरा सपना कोई साकार ना होगा, ओम शांति। तो दोस्तों आज जागृति है आप सभी से, अपने आप को जगाइए, अपने अंतर आत्मा को जगाइए, ज्ञान योग से अपने जीवन को उन्नत बनाइए, थैंक यू वेरी मच, ओम शांति, ओम शांति, दीदियों का आभार, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रवि भाई जी का, आपने बहुत सुंदर शब्दों को पिरोकर एक कविता का रूप दिया है और हमारी आदरणीय सभी दीदियों के बहुत सुंदर विशेषताओं का गुणगान किया है।